इन दिनों विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी 7/7/2019 की तैयारियों में भी जुटी हुई है। बिहार में तो उसने सीटों के फॉर्मूले का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला बीजेपी के खांचे में फिट बैठता नहीं दिखाई दे रहा। जो फॉर्मूला तय किया गया वो एक तरह से इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे सरेंडर कर दिया है। दरअसल सीटों के सिलसिले में 26 अक्टूबर को जेडीयू मुखिया और सीएम नीतीश कुमार जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने दिल्ली आए तो दोनों के बीच बिहार की 40 सीटों पर जोरदार मंथन चला। इस चर्चा में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी जरूर जिक्र आया होगा, जो बिहार में एनडीए की सहयोगी है। इस मंथन के बाद 2019 के चुनाव के लिए जो फॉर्मूला निकल कर सामने आया उसके मुताबिक बिहार में जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई हैं। इन्हीं सीटों में से पासवान और कुशवाहा को भी सीटें दी जाएंगी। शुरू करें। विगत 3-4 दिनों से बिहार के लोकसभा चुनाव के लिए सभी साथियों से चर्चा चल रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी डिटेल चर्चा हुई और ये तय हुआ है कि बिहार में जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे और बाकी साथियों के लिए भी सम्मानजनक जगह रखकर सीटों का बंटवारा फाइनल करेंगे। जहां तक सीटों के नंबर का सवाल है, 2-3 दिनों में हम नंबर को घोषित करेंगे और सभी साथियों से चर्चा में एक सुर उभर कर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी एनडीए एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। नीतीश कुमार जी, रामविलास जी और भारतीय जनता पार्टी के उपमुख्यमंत्री सुशील जी तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और अभी जो सीटें हैं बिहार में इससे ज्यादा सीटों के साथ 19 के चुनाव में हम मजबूत होकर बाहर आएंगे। फिलहाल अभी सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का फॉर्मूला तय किया गया है उससे ये साफ है कि बीजेपी को इस गठबंधन के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। हालांकि अमित शाह कहते हैं कि नया साथी आया है तो सीटें तो कम होंगी ही। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथी हैं, कुशवाहा जी भी साथ में रहेंगे, रामविलास जी भी रहेंगे, भाजपा और जदयू है ही। हो गया सर, सीटों में कुछ रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की सीटों में कुछ कमी होगी क्योंकि आप भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं? देखिए, जब नया साथी आया है तो सबकी सीटों में कमी होगी, कितनी होगी क्या होगी हम बताएंगे। सबको एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ना, ऐसे इस बारे में चारों पार्टियों का आम सहमति है। 2014 में 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी 22 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि इस बार जो फॉर्मूला तय किया गया उसमें जीते हुए सांसदों का भी विकेट गिरना तय माना जा रहा है। इस मामले पर जब शाह से पूछा गया तो वो कन्नी काटते नजर आए। कुछ तो हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए भैया, सब आप ही तय कर लोगे, हम सब कर लेंगे। सर, एक सीटों में क्या एक्सचेंज भी होंगे कुछ सीटें? अभी एक बार सैद्धांतिक निर्णय होने के बाद सीटों के नाम और कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी इसके लिए बिहार यूनिट के लोग बैठेंगे, सभी पार्टियों से एक दो नेता बैठकर इसका एक खाका खींचेंगे और नीतीश कुमार जी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर हम इसको फाइनल करेंगे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, चारों पार्टी एनडीए का हिस्सा होगी और सभी लोग इस बात पर सहमत है कि एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वहीं शाह के फॉर्मूले से फायदे में दिख रहे नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे पर सहमति जताते हुए कहा कि नहीं, बातचीत हो चुकी है और जैसा कि अभी माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की है उस पर सहमति है। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों के सीटों की संख्या के बारे में
अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और इसके बाद जो निर्णय होगा, जैसा कि उन्होंने बताया, 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी। और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। इन सब चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बताइए, आपको बता चुके हैं अभी, तो उसके बाद उसमें क्या। चलिए धन्यवाद मित्रों, जो चीज आपने बता दिया इसके बाद उसकी कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर एनडीए में नए साथी नीतीश के आने के बाद गुणा गणित तो बिगड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल इन चारों पार्टियों के पिछले चुनाव की परफॉर्मेंस पर बात करें तो 40 में से 30 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के खाते में 22 सीटें आई थी, तो वहीं 7 सीटों पर लड़ने वाली पासवान की पार्टी को 6 पर जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर लड़ने वाले कुशवाहा को 2 पर जीत मिली थी। तो वहीं अकेले चुनाव में उतरी नीतीश कुमार की जेडीयू को 1 भी सीट नहीं मिली थी।